असलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्रोमोसोम एंड डीएनए। जिसमें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपके पास क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर, एंड सेकेंड वन इज़ सोमा, उसका मतलब है बॉडी। तो क्रोमोसोम्स को हम जब देखते हैं तो इसको हम स्टेन करते हैं, इसको कलर करते हैं, तो इसलिए हम इनको कलरफुल बॉडीज़ के नाम से क्रोमोसोम का जो है वो नाम निकले हैं। क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर अपीयर होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है वो थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है और इतना बड़ीक होता है कि हम उसको इजीली देख नहीं सकते। सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही ये क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और प्रॉपर क्रोमोसोम लाइक शेप में हमें नज़र आते हैं। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है कि सेल डिवीजन के अलावा रेस्ट की हालत में जब सेल होता है तो उसके न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो बिल्कुल बारीक जो है वो थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। वो हमें इतना इजीली नज़र नहीं आता, जबकि सेल डिवीजन के दौरान जो है वो क्रोमोसोम कंडेंस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो प्रॉपर क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये डिफरेंस है क्रोमेटिन का और क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स ज़रा थिक होते हैं, क्रोमेटिन बहुत ही थिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, इसको डिस्कवर किसने किया था। तो एक साइंटिस्ट है वाल्डर फ्लेमिंग, 1882 में ये सेलेमेंडर के लार्वा की स्टडी कर रहा था। तो सेलेमेंडर के लार्वा के अंदर रैपिडली डिवाइडिंग जो सेल्स थे, अब देखें सेल डिवाइड कर रहे थे तो डेफिनेटली वो सेल डिवीजन की फ़ेज़ में थे, माइटोसिस की फ़ेज़ में थे। तो जब सेल डिवाइड कर रहे थे तो सेल्स के अंदर उसको जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया, जिसको क्रोमोसोम जो है वो हम कहते हैं। क्रोमोसोम्स का नंबर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट होता है क्रोमोसोम का नंबर। एक स्पीशी ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हमें पता है 46 होता है। इसी तरह जो है बाकी यहाँ पर बताया गया है, पेनिसिलियम एक फंगस है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो इसमें वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी तरह फर्न, जो कुछ प्लांट्स हैं, कुछ फर्नस हैं, इनके अंदर 500 पेयर्स तक क्रोमोसोम्स होते हैं। मॉस्किटो के अंदर क्रोमोसोम 6 होते हैं, हनी बी के अंदर 32, कॉर्न के अंदर 20 क्रोमोसोम्स, इसी तरह शुगर केन के अंदर 80 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम, माउस के अंदर 40 और ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो किस तरह डिवेलप होगी। डिटरमाइन ऑल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर बॉडी पार्ट्स, तो हमारे बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह डिवेलप होना है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर होती है, और बॉडी के पार्ट्स ने फंक्शन किस तरह करना है ये भी इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के अंदर ही मौजूद होती है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, पहले क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये क्रोमोसोम दिखाया गया है, इसके दो बाजू हैं, ये दोनों बाजू जो क्रोमोसोम्स के हैं इनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। अब एक चीज़ याद रखनी है, ये वाला जो क्रोमोसोम दिखाया गया है ये इसका एक क्रोमेटिड है, ये भी एक क्रोमोसोम है लेकिन इसका क्रोमेटिड एक है। अब इसी की कॉपी जो हो जाएगी तो दूसरा क्रोमेटिड डेवलप हो जाएगा। जो दो क्रोमेटिड्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्रोमोसोम है ये वाला सारा, और ये भी एक क्रोमोसोम है। डिफरेंस क्या है कि इसमें एक क्रोमेटिड है और इसमें दो क्रोमेटिड्स हैं। उसके अलावा क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जहाँ से दोनों क्रोमोसोम्स हैं आपस में अटैच हैं जी। तो सेंट्रोमियर जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो सेंट्रल वाला पोर्शन है, ये वाला जहाँ से दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अटैच हैं। इसके अलावा ये वाला हिस्सा है जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम के ऊपर। तो दो तरह की कंस्ट्रिक्शन होती है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन वो एरिया जहाँ से क्रोमेटिड आपस में अटैच होते हैं, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है वो ये भी ऊपर बाजू में होती है, ये सेंट्रोमियर से इसके पास भी हो सकती है, इसके दूर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास एक ये एरिया पाया जाता है। तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया कि सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्रोमोसोम का एक हिस्सा होता है, इसी तरह सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है। एक वर्ड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है? द ऑब्जर्व्ड करेक्टरिस्टिक्स नंबर टाइप शेप ऑफ क्रोमोसोम ऑन एन इंडिविजुअल, ठीक है, एक इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम्स किस तरह के हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल के अंदर जो टोटल नंबर, टोटल क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर, साइज, शेप, उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। और एक इंडिविजुअल की कैरियोटाइप दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होती है, ठीक है, स्पीशीज़ की भी डिफरेंट होती है और इंडिविजुअल्स की भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, कि हर बंदे के क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं। तो हर क्रोमोसोम का जो साइज़ है, जो उसकी शेप है या टाइप है, वो थोड़ी सी दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो कैरियोटाइप जो है ये यूनिक होती है हर इंडिविजुअल की।
फर्दर हम देखते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, डिफरेंसेस इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे से डिफर होते हैं इन अपियरेंस, शेप के लिहाज से क्रोमोसोम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, साइज़ के लिहाज से, स्टेनिंग प्रॉपर्टी के उनको कलर जब हम करते हैं लहदे लहदे कलर्स आते हैं, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर ये भी हम देखेंगे कि सेंट्रोमियर यहाँ पर है, ये सेंट्रोमियर की लोकेशन के लिहाज से भी क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप हम देखेंगे कि या तो सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में हो सकता है क्रोमोसोम के, या हो सकता है कि एक सेंटर के पास हो, या फिर कॉर्नर जो बिल्कुल टिप है उसके पास हो या बिल्कुल टिप पर हो, यह भी हम देखते हैं। लेंथ ऑफ टू आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के दोनों साइड पर जो आर्म है उसकी लेंथ कितनी है, जिस तरह यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से की लेंथ छोटी है, नीचे वाले हिस्से की लेंथ ज़्यादा है, तो इस बेस पर भी हमने क्रोमोसोम्स को लेदर लेदर डिफरेंसेस या क्लासिफाई कर सकते हैं लेदर ग्रुप्स में। पोजीशन ऑफ कंस्ट्रिक्टेड रीजन्स अलॉन्ग द आर्म, ठीक है, और कंस्ट्रिक्टेड जो रीजन्स हैं उनकी पोजिशन क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहाँ पर है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहाँ पर है जी। टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, अब ये हमने जो है यहाँ पर टाइप बनाई है। पहली टाइप आपके पास टीलोसेंट्रिक, ये आई शेप भी हम इसको कहते हैं। ये देखें कि अगर तो सेंट्रोमियर्स है वो क्रोमोसोम की बिल्कुल टिप पर है, ये देखें ये सेंट्रोमियर है, तो अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की टिप पर है तो फिर क्रोमोसोम की जो शेप बनेगी दैट इज़ कॉल्ड आई शेप, और इसका नाम क्या है, टीलोसेंट्रिक। सेकेंड आपके पास आता है एक्रोसेंट्रिक या जे शेप, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है ये सेंट्रोमियर ये टिप के बिल्कुल पास होता है, ये टिप है तो टिप के बिल्कुल पास होते हैं, इसकी वजह से जो शेप आती है वो हल्की सी जो है वो जे शेप आती है कि यूं जो है वो सीधा और यहाँ से हल्का सा जो है वो यूँ, मतलब यहाँ पर जो है वो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा बिल्कुल टिप के पास, तो जे शेप जो है वो एक्रोसेंट्रिक पोजिशन में आती है। उसके बाद है सब मेट्रासेंट्रिक पोजिशन, इसमें क्या होता है कि जो आपके पास ये सेंट्रोमियर है ये सेंटर के पास होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेंटर है तो सेंटर के पास होगा सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंटर में नहीं होगा, तो इसकी वजह से जो शेप हो जाएगी ये एल शेप आएगी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जाइए एल शेप बताई गई है, ये आगे शेप्स के नाम लिखे हुए हैं जी। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक वो कंडीशन है जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम के बिल्कुल सेंटर में होता है, और शेप आपके पास कौन सी आती है, वी शेप। तो ये सेंट्रोमियर की पोजीशन के लिहाज से क्रोमोसोम्स की जो है वो अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें टीलोसेंट्रिक हमने देखा, ठीक है, उसके बाद जो है वो एक्रोसेंट्रिक है जो जे शेप होता है, सब मेटासेंट्रिक एल शेप, और मेटासेंट्रिक जो है ये वी शेप है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जो है वो क्या क्या होता है, ठीक है, उसके किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डेफिनेटली हमें पता है डीएनए होगा, इसमें 40% डीएनए, लेकिन प्रोटीन जो है वो कितने परसेंट है, 60% है। तो क्रोमोसोम के अंदर 40% डीएनए है, 60% प्रोटीन है, उसके अलावा आरएनए भी काफ़ी मिकदार में होता है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उससे इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है इन दी फॉर्म ऑफ आरएनए, फिर उस आरएनए से आगे बॉडी के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाए जाते हैं, तो आरएनए भी डेफिनेटली इसके अंदर होता है। डीएनए ऑफ क्रोमोसोम इज़ अ लॉन्ग थ्रेड रन अनब्रोकन इन द एंटायर क्रोमोसोम लेंथ, अब देखें कि ये जो पूरा क्रोमोसोम है इसके अंदर होता क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड होता है, ठीक है, ये देखें कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाया गया है, इस क्रोमोसोम को अगर खोला जाए तो इसके अंदर ये देखें धागे नामक स्ट्रक्चर है सारा, ये सारा डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का जो है स्ट्रैंड है, तो पूरे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो थ्रू आउट द क्रोमोसोम रन करता है विदाउट ब्रेकिंग, हम कह लें कि यूं जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड यूं जो है वो आपस में कॉइल कर रहे हैं, और इससे जो है ये स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जो है वो क्रोमोसोम कहते हैं, यूं जो है वो क्रोमोसोम का सारा स्ट्रक्चर यूं बन जाएगा, इसी तरह ये क्रोमोसोम का एक बाजू बन जाएगा, ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ पर ये दूसरा बाजू, तो यूं क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है जो अनब्रोकन रन करता है बोथ द स्ट्रैंड्स के अंदर, ठीक है, तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा दिस इज़ एक्चुअली डीएनए का स्ट्रैंड। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये डीएनए का स्ट्रैंड आपके पास, ये क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम को खोला गया है तो इसके अंदर ये आपके पास स्ट्रैंड नज़र आ रहे धागे का, ठीक है, इसको मज़ीद आप खोलेंगे, चले इसके स्ट्रक्चर की तरफ हम आ जाते हैं कि ये स्ट्रक्चर, चले पहले इसको जो है वो हम देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन कितनी स्टोर होती है डीएनए के अंदर, देन हम स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक डीएनए के अंदर एस्टिमेटेड अंदाजे के मुताबिक कि आपके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं कि डीएनए के अंदर चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है, ये हम पीछे जो है वो फर्स्ट ईयर में डिटेल में इसको जो है वो हमने स्टडी किया था।
तो ये चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपके डीएनए में? 140 मिलियन, ठीक है। तो 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में पाए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन कितनी होती है डीएनए के अंदर? इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं कि इन्फॉर्मेशन कितनी होती है डीएनए के अंदर। इन्फॉर्मेशन इन डीएनए इक्वल टू 280 प्रिंटेड बुक्स, 280 प्रिंटेड बुक्स अगर आपके पास हों, हर बुक के अंदर 1000 पेजेस हों, ठीक है। तो एक बुक जो है उसके अंदर 1000 पेज हैं, और अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक पेज के ऊपर आपके पास 500 वर्ड्स मौजूद होने चाहिए। तो मतलब एक बुक है, उस बुक के 1000 पेजेस हैं, हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स हैं, और एक वर्ड जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल बुक्स आपके पास 280 बनेगी, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके डीएनए में स्टोर है, इतनी छोटी सी जगह पर जो हमें नज़र भी नहीं आता आम आंख से। क्रोमोसोम की लेंथ देखें, डीएनए स्ट्रैंड ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, अगर एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर से डीएनए को निकाल के एक सीधा बिल्कुल कर दिया जाए तो ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। ये धागा जो है डीएनए का ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसको हाईली कंडेंस करके पैक करके इस क्रोमोसोम के अंदर फिट किया हुआ है, और इतना छोटे हिस्से में फिट किया हुआ है सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, उसके अंदर डीएनए, ठीक है, जो हमें नज़र भी नहीं आता। तो ये जो है इसकी लेंथ, अगर इसको निकाला जाए एक क्रोमोसोम का डीएनए, तमाम क्रोमोसोम्स नहीं सिर्फ एक क्रोमोसोम, तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ जो है होगी। इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम आते हैं कि अब डीएनए जो है वो किस तरह क्रोमोसोम के अंदर कॉइल हुआ होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है ये ऊपर डीएनए दिखाया हुआ है, ठीक है। डीएनए के जो है वो डबल स्ट्रैंड दिखाए हुए हैं कि एक स्ट्रैंड डीएनए का ये और दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड ये है। इसके ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू एंड जो ये पिंक सा कलर है, ये चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। अब देखिए डीएनए का स्ट्रैंड ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, यूँ आता जा रहा है यहाँ पे। अब ये डीएनए का स्ट्रैंड इन प्रोटीन्स के गिर्द कॉइल हुआ हुआ है, ये देखिए ज़रा कि दो दफ़ा कॉइल है, ये एक कॉइल ये वाली और दूसरा कॉइल ये है, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो 8 प्रोटीन्स होती हैं यहाँ पर, ये चार प्रोटीन आपको ऊपर से नज़र आ रही हैं, चार इसके नीचे होती हैं। इसको हम अगर इस डायग्राम से देख लें तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि ये देखें, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड, ये प्रोटीन्स आपके पास हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और टोटल हिस्टोन प्रोटीन्स कितनी होंगी? 8, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक उसके पीछे 8। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द डीएनए का स्ट्रैंड दो दफ़ा कॉइल हो रहा है, एक टर्न ये और दूसरा टर्न जो है वो ये वाला। तो डीएनए का स्ट्रैंड 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द दो दफ़ा कॉइल होता है, और इसके नतीजे में ये जो स्ट्रक्चर बनता है दिस इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियोसोम, ठीक है। फिर इसी तरह डीएनए आगे जाकर फिर से 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द कॉइल हो रहा है दो दफ़ा, फिर से करते करते ये आपके पास जो है वो फिर सुपर कॉइलिंग होगी कि ये सारी प्रोटीन्स जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल होंगे, और करते करते ये जब कॉइलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, तो वो फिर जाकर क्रोमोसोम बनाएंगे। ये देखिए क्रोमोसोम का एक बाजू दिखाया हुआ, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को जो है वो हम यहाँ से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं। पहला है आपके पास न्यूक्लियोसोम, डीएनए डुप्लेक्स कॉइल अराउंड कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। डीएनए जो डुप्लेक्स है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन का जो कोर है, ठीक है, ये सारा कोर है 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का, उसके ऊपर कॉइल होता है फॉर्मिंग अ न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इससे न्यूक्लियोसोम बनते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की 5 टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसमें जो 4 टाइप्स हैं वो पेयर की फॉर्म में इकट्ठी होती हैं और कोर बनाती हैं न्यूक्लियोसोम का। ये देखें कि टोटल हिस्टोन प्रोटीन की जो है वो 5 टाइप्स हैं, इन 5 में से जो 4 टाइप्स हैं वो पेयर की फॉर्म में होंगी, ये देखें 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। तो 4 जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो पेयर की फॉर्म में जब मिलती हैं तो न्यूक्लियोसोम का क्या बनता है? कोर बनता है, ठीक है। जो 5th टाइप है उसको हम लिंकर प्रोटीन कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है बिटवीन द 2 हिस्टोन्स विच हेल्प इन द सुपर कॉइलिंग। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर जो है ना मिस हो गई है, जो 5th प्रोटीन है आपके पास उसको लिंकर प्रोटीन कहते हैं, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द 2 न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इसको यहाँ से करेक्ट कर लें कि जो लिंकर प्रोटीन है ये यहाँ पे नहीं आएगा, लिंकर प्रोटीन 2 न्यूक्लियोसोम के साथ के दरमियान प्रेजेंट होती है, एक न्यूक्लियोसोम ये, एक न्यूक्लियोसोम जो है वो ये, तो इनके दरमियान में यहाँ पर जो है वो लिंकर प्रोटीन होती है, एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, सो ऑन, एक यहाँ पर होगी। ये लिंकर प्रोटीन्स
इनको सुपर क्वाइल करने में हेल्प करती है। देखो यहाँ पर देखें कि ये सारी सुपर क्वाइल हो गए हैं, तो सुपर क्वाइलिंग में ये लिंकर प्रोटीन जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो फिफ्थ टाइप जो है लिंकर प्रोटीन है, प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम विच हेल्प इन सुपर क्वाइलिंग। इन प्रोटीन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, चार्जेज ऑन द हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉर्मली जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप की हिस्टोन प्रोटीन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो चार्जेस ऑन हिस्टोन प्रोटीन्स है वो पॉजिटिव होते हैं ड्यू टू इट्स आर्जिनिन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड्स। ये प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं डेफिनेटली हमें पता है, तो ए प्रोटीन्स के अंदर ये वाले जो अमाइनो एसिड हैं इसकी वजह से इन प्रोटीन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज डीएनए के नेगेटिवली चार्ज्ड फास्फेट को अपने साथ अट्रैक्ट करता है जिससे डीएनए इसके गिर्द क्वाइल हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर डिटेल बता दी गई कि जो हिस्टोन प्रोटीन है उन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, डीएनए के अंदर जो फास्फेट होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के कोर के इर्द गिर्द क्वाइल हो जाते हैं। सुपर क्वाइलिंग देखें, स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम्स रैप इनटू हायर ऑर्डर। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है न्यूक्लियोसोम्स के ये एक दूसरे के साथ मजीद हायर ऑर्डर में यूं जो है देखें रैप होते जा रहे हैं और सुपर क्वाइलिंग होती जा रही है। अब ये आपके पास जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, दो तरह के हिस्से होते हैं आपके पास डीएनए के। डीएनए के कुछ हिस्से जो है वो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं और कुछ जो है वो यूक्रोमैटिन है। हेट्रोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस पोर्शन है डीएनए का, इतना कंडेंस है, इतना टाइटली पैक हुआ हुआ है कि उसको हम ओपन नहीं कर सकते और वो आपकी बॉडी में भी ओपन नहीं होता, उसको रीड भी नहीं किया जाता। हाईली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ डीएनए रिमेन परमानेंटली कंडेंस्ड, ये परमानेंटली कंडेंस्ड होता है, इट्स डीएनए इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, इसके डीएनए को एक्सप्रेस नहीं किया जाता। यहाँ पर भी एक वर्ड ये से इसको ठीक कर लें, हम इसको यहाँ से जो ठीक कर देते हैं कि इसका डीएनए, इट्स डीएनए इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, और यहाँ पर भी इसको ठीक कर लेते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम था वहाँ पर। अच्छा, इसका हेट्रोक्रोमैटिन का जो डीएनए होता है ये इतना कंडेंस होता है कि इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओपन ही नहीं होता तो हम इसको रीड भी नहीं कर सकते। जबकि इसके ऑपोजिट जो यूक्रोमैटिन है ये लेस कंडेंस्ड होता है पोर्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइटली पैक नहीं हुआ होता, ओनली कंडेंस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान ये सिर्फ ज़्यादा कंडेंस होता है। और इसकी जीन्स, क्योंकि ये ज़्यादा टाइटली पैक नहीं है तो इसकी जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होती हैं, उसको ईजिली ओपन करके रीड किया जा सकता है। तो जब रीड किया जाता है तो हम कहते हैं कि इसकी जीन्स एक्सप्रेस होती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को निकाल कर उससे बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाए जाते हैं। तो ये हमारे पास है वो डीएनए के दो हिस्से आ जाते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन का और दूसरा यूक्रोमैटिन का। ठीक है, ये भी सारा वही स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। आज का लेक्चर जो है वो जस्ट यहीं तक होगा।